ठीक है, अब अंत में विवेक मैं आपके पास आती हूं कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, राइट टू लाइवलीहुड का मामला था, आरबीआई एक्ट का वायलेशन है ये, प्रोफेसर मेहरोत्रा ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, गवर्नमेंट्स एटीट्यूड एन इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड इन फॉर्मुलेटिंग अ पॉलिसी, सारे इश्यूज को लेकर अगर आप इसको एंटायरिटी में देखें तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियली टू यू नो टू हैपन अगेन, यू नो ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट again asking you the same question almost what of what I asked Professor Mehrotra, that in the realm of speculation, do you think that the court is really going to corner the government on these particular points, jo pain points hai demonetization ke, at least it should send out some kind of a message for all those people who are expecting some kind of a closure. नीलू जी, ऐसा है कि वी कैन एक्सपेक्ट द सुप्रीम कोर्ट टू से सर्टेन थिंग्स अपफ्रंट, इफ इट डजंट से देन इट विल मीन दैट द सुप्रीम कोर्ट इज टैसिटली इन सपोर्ट ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट डिड, सो सुप्रीम कोर्ट विल नॉट सर्टेनली लाइक टू बी सीन इन दैट लाइट. तो ये एक रही, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें मुद्दा ये है कि सरकार को मालूम था कि डिमोनेटाइजेशन से जो मकसद वो हासिल करना चाहते थे होने वाले नहीं है, आरबीआई ने उनको बताया था, उसके बावजूद उन्होंने किया. तो अब सवाल ये होता है फिर ये क्यों किया उन्होंने, तो क्यों किया, मतलब क्या ऐसी कुछ बातें हैं जो हमारे पब्लिक डोमेन में नहीं है, क्या ऐसी कुछ बातें हैं जिसकी चर्चा सरकार नहीं होने देना चाहती है, या फिर सरकार को ऐसा कुछ करना था जो सरकार पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहती, वो क्या बातें हैं. अगर जो आपके मकसद है वो इसमें हासिल आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता था पूरी तरह से कि ये मकसद वो मोटिव पता चले क्या, नहीं क्या है, मतलब हमने ये भी सुना है किसी कोऑपरेटिव बैंक में ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया, हमने ये भी सुना है कि हजारों लाखों लोगों ने अपना ब्लैक मनी इसमें व्हाइट किया है, ढाई ढाई लाख के अलग अलग अकाउंट्स में पैसा जमा करके. उसके बाद हमको ये बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सारी चीज़ों की छाननी करेगी, इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, और जिन्होंने अपने पैसे ब्लैक मनी को व्हाइट किया है उसको उनको पिन डाउन किया जाएगा. ये कुछ भी नहीं हुआ है. तो क्या किसी खास मकसद से किया गया, कुछ लोगों को ये मौका दिया गया था कि आप अपना ब्लैक मनी जो उसको व्हाइट करवा ले, मतलब एग्जैक्टली कहीं इसका उल्टा मकसद तो नहीं था. तो इस तरह का एक सवाल इसमें पैदा होता है, और इस सवाल का जवाब ढूंढना ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक काम है ऐसा मुझे लगता है. पता नहीं इस पिटीशन का जो प्रेयर है उसमें कहीं ये बात है या नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब इस देश की जनता को मिलना बहुत जरूरी है नीलू. बिल्कुल, 2 जनवरी को ये पूरे मुद्दे पर फैसला आएगा, तो देखना होगा. उस दिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि कोई अगर बड़ा ड्रास्टिक फैसला आता है तो हम आप सभी के बीच में उस दिन पूरी एक डे लॉन्ग कवरेज करें, लेकिन थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि कोर्ट क्या कहता है ये बहुत जरूरी चीज है. लेकिन अगर कोर्ट ने कोई एक बहुत आउटस्टैंडिंग वर्डिक्ट दिया, दिस इज अ प्रॉमिस ऑन QIVE नेटवर्क दैट वी विल डू अ फुल डे कवरेज विद ऑल द एक्सपर्ट्स हु विल एक्सपोज द गवर्नमेंट, who will tell what went wrong and what has the court said. Thank you so much, Professor Mr. Santosh Mehrotra, for joining. Vivek Deshpande, thank you very much. It's a pleasure having you on the program. Aur hamara khas karyakram Angle 360. Kal Saturday hai, to kal nahi hoga. Monday ko main aapse phir se milungi, naye saal mein. Thank you so much and wish you a very happy new year in advance.